नमस्कार, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की, जिसे इतनी ज्यादा सुविधाओं के साथ बनाया गया, इतनी महंगी लागत के साथ बनाया गया, लेकिन आज भी वहां पर सुविधाएं भरपूर नहीं है। तो केजीपी और केएमपी की ये तस्वीर आपने देखी, आपको याद होगा कि इसके उद्घाटन के लिए बहुत भव्य समारोह किया गया था और उस भव्य समारोह को देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये जो केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस हमारे लिए बनकर के तैयार हुआ है, शायद अब इससे हमें कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं। लेकिन इस केजीपी और केएमपी पर जो सफर करते हैं वो ही जानते हैं कि कितनी परेशानियां उन्हें होती हैं। जब हमारे कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई तो हमने जाना कि आखिरकार लोग कितनी परेशानियों से इस रोड पर से गुजर रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में यहां पर टोल वसूला जाता है, लेकिन बावजूद इसके इतनी मोटी मोटी दरारें सड़क पर आई हुई हैं, सड़क धसी हुई है। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से यहां पर लोग सफर करते हैं। कोई भी किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए एक बार दिन के लिए हम मानकर चल लेते हैं कि उजाला होता है तो हम अपने वाहन को धीमी गति से चला लेते हैं और देख लेते हैं, लेकिन रात के वक्त इन दरारों को हम नहीं देख सकते हैं और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपसे इस कार्यक्रम में हमारे सीधे से सवाल ये है कि क्या सुरक्षित महसूस करते हैं वाहन चालक अपने आप को, जो केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर रोजाना सफर करते हैं? क्या प्रशासन की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिरकार कब हादसों का ये मंजर थमेगा? क्या सरकार का हाईटेक एक्सप्रेसवे की तस्वीर यही है क्या? क्या इस एक्सप्रेसवे पर सरकार होगा विमान उतारने का दावा? इस एक्सप्रेसवे पर क्या वाकई साकार होगा विमान उतारने का दावा? ये तमाम तरह के बड़े सवाल आपके सामने। आपको बता दें कि कई जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, केजीपी और केएमपी को जोड़ने वाले जीरो पॉइंट पर भी सड़क में मोटी दरार आ गई है, जबकि दोनों एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों से टोल वसूली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जब शुरुआत में यह बना था और हमारी टीम ने इसका जायजा भी लिया था, तब भी हमने कई खामियां दिखाई थी और उसके बाद शायद उस पूरी रिपोर्ट के बाद शायद प्रशासन की नींद खुल जानी चाहिए, लेकिन तुरंत एक्शन के बाद से फिर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसलिए ये पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप जरूर इस कार्यक्रम में जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो हर वर्ग टोल देता है और इस एक्सप्रेसवे पर सफर करता है। इस एक्सप्रेसवे पर जो उम्मीदें आप करते हैं, क्या वाकई वो सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्या लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था है? सड़कें पूरी ठीक है? क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि इन एक्सप्रेसवे पर कहीं पर भी अगर आप देखें तो बीच में कहीं पर भी पेट्रोलिंग के लिए कुछ भी नहीं है और वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती है, और अगर आपको पेट्रोल भरवाना हो अपनी गाड़ी में, डीजल पेट्रोल भरवाना हो, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट्स नहीं है, अगर आपको कहीं रुकना हो तो आप रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छे से शायद इसे डेवलप करके नहीं बनाया गया, पूरा प्लान करके नहीं बनाया गया। क्योंकि कुछ लोग यहां पर शिकायत करते हैं कि अगर वो गाड़ी को रोकते भी हैं तो बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां आती हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और जल्द से जल्द आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बताएं कि क्या वाकई ही आपको भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप सिर्फ केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारी हमें नहीं दे सकते, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी गली मोहल्ले में, आपके आसपास कोई जीटी रोड है या फिर कोई मेन हाईवे है, तो आप उससे जुड़ी भी जानकारी हमें दे सकते हैं। राम हमारे साथ कार्यक्रम के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नियमित दर्शक। राम, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। प्रश्न वही खड़ा होता है जी, हमारी सरकार बड़ी मतलब चतुराई से आ गई है, हमारे मतलब बहुत प्रचंड बहुमत से जनता को गुमराह किया गया मेन मुद्दों से, और आई किस बेस पे? हिंदू की भावनाओं से। अरे जनता समझ नहीं रही, रोज की 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर हमारी सरकार बनाती, जबकि टूल टैक्स कौन दे रहा है? आम जनता। सड़क किससे बन रही है?
आम जनता के पैसे से, और ये कहते हैं मैं बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, जबकि 10 रुपए का मटेरियल होता है हजारों में और लाखों रुपए का बिल बनता है। ये आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं, ये रैलियां और ये खरबों रुपए अरबों रुपए खर्च होता है, इन्हीं में से होता है। इसलिए जनता को सोचना होगा, मेन मुद्दों का तरफ, रोजगार की तरफ और भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और आप इनको भटका के भावनाओं को बदल के आप हिंदुओं के भावनाओं करके उससे अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो आने वाला समय बहुत घातक सिद्ध होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राम, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। राम कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर है, लेकिन विकास की असल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए, हर पार्टी बोलती है कि हमारे कार्यकाल में इतना विकास हुआ, उतना विकास हुआ, लेकिन विकास की असल तस्वीर क्या है, ये हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम आप तक पहुंचाएं। जहां कई खामियां हैं वो भी हम बताते हैं लगातार, और जहां पर कुछ अच्छा कार्य सरकार की ओर से किया गया है वो भी हम जरूर आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ा आपसे यही सवाल है कि जब आप इन हाईवे से गुजरते हैं, आप जब इन केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं, क्या वाकई ही आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं कि आप अपना आरामदायक सफर तय कर सकेंगे, या फिर वाकई आपको भी लगता है कि ये सफर आरामदायक नहीं रहने वाला है क्योंकि सड़कें धसी हुई हैं? क्योंकि ये जो तस्वीर आई है ये केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की आई है, आपको याद होगा कि बहुत भव्य समारोह हुआ था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और नितिन गडकरी भी इसमें मौजूद थे, लेकिन इतने बड़े भव्य समारोह के बाद भी शायद हमने यही अंदाजा लगाया था कि बहुत अच्छा ये केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस वे रहने वाला होगा, लेकिन असल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत से अगले दर्शक विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मेरा अक्सर अप एंड डाउन रहता है गुड़गांव से सोनीपत, ठीक है, और मैं केएमपी से ही आता हूँ। बहुत सारे बम्प्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहां कोई संभालने वाला नहीं है आपको इतने लंबे रूट पे, और बम से है कि अगर आदमी, इन्होंने 120 की लिमिट रखी हुई है, और 120 की लिमिट पे अगर कोई चल रहा है और बीच में सडन एक बम्प आता है या कोई क्रैकिंग्स आती है, हाँ, तो नोबडी कैन हैंडल, वो एकदम उस पे हादसा संभव 100% होगा, ठीक है, तो उसको कोई संभालने, मेंटेनेंस वाला कोई है नहीं वहां पे, कोई मेंटेनेंस हो नहीं रही है। जब से रिबन कटा है उसके बाद कभी भी इसकी मेंटेनेंस के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए, और अगर उठाए हैं तो वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इनको चाहिए सबसे पहले वहाँ एक तो लाइटिंग का जो है इंतजाम किया जाए, और सबसे पहले इमरजेंसी के लिए, अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो एटलीस्ट वहां पे कोई ऐसा एक हेल्पलाइन बूथ होना चाहिए एटलीस्ट हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, कि कोई भी आदमी वहां जाके हेल्प ले सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत अच्छा लगा आप इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि आपके सुझाव जो है वो वाकई ही सराहनीय है, क्योंकि बिल्कुल जब हम कह रहे हैं कि इतना लंबा एक्सप्रेसवे है, अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए कोई भी हेल्पलाइन बूथ इस पर मौजूद नहीं है, तो कम से कम 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर हेल्पलाइन बूथ होनी चाहिए और लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज गति से यहां पर वाहन दौड़ते हैं और इस वजह से अगर लाइटनिंग ना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी सामने आती है। तो रोजाना जो इस केएमपी और केजीपी पर सफर करते हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि वाकई जो तस्वीर हरियाणा न्यूज दिखा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और जनता भी यही कहती हुई नजर आ रही है कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत सामने आती है। तो वाकई ये सवाल आपका भी लाजमी है कि जब रिबन कटा और उसके बाद से दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम उन दिक्कतों को तो दुरुस्त कर लेना चाहिए। झज्जर से सतबीर सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतबीर सिंह जी कहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो है जी, सतबीर अपने गाँव लागू करने के लिए रोड बनाया, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि कोई देखभाल नहीं है, ना इसमें कोई गाइडलाइन है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, और हाईटेक तो ये बना दिया लेकिन इसका संभालने वाला कोई नहीं है, और दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात ये है, कुछ भी अच्छा हो जाए, जब तक साथ भी कोई बना दूंगी तो देख सकते उसको, मतलब पूछ ले या भाई इसको पहुंचाने की कोशिश करे या खबर करता है। बाकी जो है ये एक्सप्रेस वे वगैरह कुछ नहीं है, खाली एक फोटो की वो थी आदमी की, वो पूरी कर लेंगे, अभी वो जरा देरी हो गया, मतलब और एक्सीडेंट हो गया अगर इसमें तो काम नहीं हो जाता है। ठीक है,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतबीर सिंह जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। सतबीर सिंह जी भी यही कहते हुए नजर आए कि सिर्फ नाम का हाईटेक रह गया है, वाकई जो हाईटेक एक्सप्रेस वे पर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं यहां पर है नहीं, क्योंकि देर रात आप इस पर सफर नहीं कर सकते हैं, लाइटनिंग नहीं है, सड़कें धसी हुई है, मोटी मोटी दरारें आई हुई है। ऐसे में बिल्कुल आपका सवाल उठाना लाजमी है और इसलिए हम भी हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के द्वारा आवाज उठा रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो कब वाहन चालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या प्रशासन की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यही है सरकार का हाईटेक एक्सप्रेसवे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की, क्योंकि वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। जो रोजाना वहां पर वाहन चालक है जो वहां से गुजरते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इतना ज्यादा टोल देने के बावजूद। कुछ तस्वीरें तो हमारे कैमरे ने भी कैद करी है जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतनी मोटी दरार आई हुई है और जब वाहन यहां से गुजरते हैं भारी भारी, तो ये दरार और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। कोई भी बड़ा हादसा इस पर हो सकता है, लेकिन इस पर प्रशासन की नजर अभी तक नहीं पड़ी है। हाँ, मीडिया की नजर इस पर जरूर पड़ गई है और सभी यही कामना करें, यही आशा करें कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कर दिया जाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। लेकिन अगर इस पर जल्द से जल्द नजर नहीं दौड़ाई गई प्रशासन की ओर से, तो अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या प्रशासन इसकी जवाबदेही देगा या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। आप इस कार्यक्रम में जल्द से जल्द जुड़े क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, और आप इस कार्यक्रम में जुड़कर के ये बताएं कि आपके आसपास जो हाईवे है, आपके आसपास जो मेन सड़क है, उसका क्या कुछ हाल है? क्या वाकई आपको भी लगता है कि इतना मोटा पैसा इन सड़कों पर लगाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके इन सड़कों की तस्वीर ये होती है? आखिरकार वो इतना मोटा पैसा, इतनी मोटी रकम जो इन सड़कों पर लगाई जाती है, जो कि हमें आंकड़े बताए जाते हैं, क्या वाकई उतना पैसा खर्च किया जाता है? अगर इतना पैसा खर्च करके भी सड़कें इस तरह से बन रही हैं, तो वाकई अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं ये सड़कें, टोल वसूली के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो ऐसे में लोगों का परेशान होना लाजमी है। जो नियमित यहां से गुजरते हैं यात्री, वो इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े और हमें बताएं कि क्या वाकई ही असल तस्वीर यही है, और क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी समस्याओं को तो बताएं ही, इसके साथ साथ आप सुझाव और राय भी दे सकते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ करके, ताकि आपकी राय को आगे तक पहुंचाया जा सके। और अगर उच्च अधिकारी भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द हरियाणा न्यूज की भी यही अपील है आपसे कि इस सड़क को ठीक करवा दिया जाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। इतनी मोटी दरार, वो भी मेन हाईवे पर, आप सोच सकते हैं कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दर्शक यहां पर इससे पहले जुड़े थे ब्रेक से पहले, वो यही कह रहे थे कि ना लाइटिंग की व्यवस्था है और ना ही यहां पर कोई हेल्पिंग बूथ है, तो कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए वाहन चालक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। बड़ा सवाल यह भी कि क्या वाहन चालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और कब वाहन चालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बालकृष्ण शर्मा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण शर्मा जी, कहिए क्या कुछ दिक्कत आपको? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी रोड बनाए जाते हैं, ये मानक के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं, और नंबर दो बात, जिस तक जो ओवर लोडिंग होती है ट्रकों की, ये इनकी सीमा तय कर दी है ट्रकों की, तो 4 फुट 5 फुट 6 फुट ऊंचाई, ये अपने आप रोड तो सही रहेंगे, और ये कंपनियों की जिम्मेदारी भी है कि रोड सही रखा ही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ओवर लोड ट्रकों की, ओवर लोड ट्रक प्रवास करते लोगों को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी राय दी। और भी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी राय भी रखें और अपनी समस्या भी रखें। एक्सप्रेसवे की अगर हालत इतनी ज्यादा खस्ता है, तो अगर हम आम सड़कों की बात कर ली जाए, तो उनकी हालत कैसी होगी? प्रदेश सरकार हमेशा आंकड़े दिखाती है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में इतना पैसा लगा, और ये सब पैसा भी हमारी ही जेब से जा रहा है। तो आपका सवाल उठाना लाजमी है कि आखिरकार कब ये सड़कें दुरुस्त होंगी, जिसका पैसा, जिसके टोल हम भरते हैं,
और इतना टोल भरने के बावजूद वो सुविधाएं अगर हमें ना मिले तो सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। प्रशासन की क्या आखिरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की हाईटेक एक्सप्रेसवे की यही तस्वीर है? ये भी बड़ा सवाल। हरियाणा न्यूज पर आप हल्ला जरूर बोले, कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े, बहुत कम समय रह गया है और आप इस समय का जरूर फायदा उठाएं और इस कार्यक्रम में जुड़े। डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि केएमपी अभी बने हुए केवल एक से डेढ़ साल हुआ है और सड़क की हालत है। आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है जितेंद्र जी, आप दोबारा एक बार जुड़ने की कोशिश करें और बताएं कि क्या आप कह रहे थे, हम आपकी पूरी बात को सुनना चाहते हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे की ये हालत है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? और भी दर्शक हम इंतजार कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बताएं कि आपके इलाके में क्या कुछ हाल है, क्या वाकई जो मेन सड़क है, मेन हाईवे है, उनकी भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है? टोल वसूली के बावजूद भी क्या वाकई आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए? आखिरकार कब हादसों का ये मंजर थमेगा? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हम आपको बताते हैं, कई ऐसे दर्दनाक हादसों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो इस तरह की सड़कों पर, इस तरह की बनी हुई सड़कों की वजह से होते हैं। एक दर्शक जुड़े थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि बम्पर्स बनाए गए हैं, ब्रेकर्स बनाए गए हैं, वो भी उचित दूरी पर नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि जब बहुत रफ्तार से गाड़ियां आ रही होती है तो ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि जब आप सड़कों पर सफर करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये आपका हक है कि आप सवाल खड़े करें, क्योंकि उस सड़क पर सफर करने के सबसे पहले पैसे आप देते हैं, पहले आप टोल देते हैं और उसके बाद ही आप इन सड़कों पर गुजर सकते हैं। तो ऐसे में आप पूरे हकदार है कि आपको वो सुविधाएं मिले। सुरेंद्र भाटिया फरदाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहिए। आप टीवी का वॉल्यूम कम करके इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। चलिए, जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी से यही अपील कि टीवी का वॉल्यूम कम करके ही आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर जो यात्री सफर करते हैं वो यही दरकार करते हैं कि उन्हें सही सड़क मिले जिस पर वो सुरक्षित सफर तय कर सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।